वहां सज्जू ने मुझे तलाक दे दी। उसी वक्त घर से निकाल दिया, सुबह होने का इंतजार भी नहीं किया उसने। तलाक दे दी? तो यहां किस लिए आई हो, क्या करने आई हो यहां? रेल की पटरी तुम्हारे घर के पास थी, वहां चली गई होती मरने के लिए। आधी रात को तलाक लेके आ गई, तुम्हारे करतूत ही नहीं थे घर बस आने के, जहां भी जाती यही करती। अब कह रही हो कि घर से निकाल दिया, सुबह होने का इंतजार नहीं किया। तुमने ऐसा क्या किया था ये बताओ ना, कि उसे ही सब कुछ करना पड़ा, बदबख्त। तायरा? हावी। अरे भाई क्या हो रहा है तायरा, इस वक्त क्या तमाशा है ये? आधी रात को तलाक लेकर आ गई मेरे मुंह पे कालक मलने के लिए। हाँ तो आप भुगते हैं अब्बा, भुगते हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये शादी कहां चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन आपको तो अपनी बहन के घर रिश्ता तय करना था ना, बहन से रिश्तेदारी जो निभानी थी तो निभाए रिश्तेदारी। जहर? अरे क्या उजैर जहर लगा रखी है तुमने, बेड़ा गर्क कर दिया उजैर का इन लोगों ने। इसकी शादी के लिए जो मैंने कर्जा लिया था ना, वो मैं आज तक चुका रहा हूं, आज तक भुगत रहा हूं मैं। कर्जा पूरा नहीं हुआ मगर इसकी शादी पूरी हो गई, गाड़ी बेच के बाइक पर आ गया मैं, और ये यहां खड़े चिल्ला रहे। उस वक्त भी ये खड़े ऐसे ही चिल्ला रहे थे जब मैं इनसे कहता रह गया कि मत करें इसकी सज्जू से शादी, मत करें। आज ये यहां खड़े चिल्ला रहे जब ये तलाक लेकर आ गई है, तो चिल्लाए ना अब्बा, चिल्लाने में कौन से पैसे लगते हैं। लेकिन मेरी बहन तो छुड़वा दी ना मुझसे, उसके दरवाजे बंद करवा दिए। ये जिस घर जाती इसको यही करना था, यही करना था इसको, घर बसाना ही नहीं था। हजारों दफा कहा कि जबान को काबू में रखो, कुछ अगर सुनाते तो सुन लो अपने घर बचा लो, लेकिन नहीं नहीं। अब उसने रहना ही नहीं था मेरे साथ, वो तो मैं गुजारा कर रही थी, मैं उसे कबूल नहीं थी। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो फैसला करके आया था, उसने सुना दिया अपना फैसला। तायरा मेरी बात सुन, अभी तो मंडा चलो मेरे साथ, हम सुबह बात करेंगे ना, हम सुबह बात करेंगे। पर सुबह क्या होगा, जो होना था हो गया सब कुछ। अब जाओ बैठो और मेरे सीने पे मूंग दलो। तुम चलो मेरे साथ। देखो शाहिद, सज्जू ने जो कुछ भी कल किया ना, वो कल ना करता, दो दिन बाद करता, दो हफ्ते बाद करता, अरे महीने बाद करता। ये तुम्हारी बेटी ने कोई कसर उठा के नहीं रखी थी। चलो अब तो जान छूट गई ना, अब तो बड़े आराम से होगी तुम्हारी बच्ची। बस मैं ये कह रहा था आपा, अगर मुझे बुला लेती हैं एक दफा, मैं सज्जू के सामने उस कमबख्त की नाक रगड़वा देता। इन्होंने ताहिरा को नाक रगड़वा कर ही भेजा है अब्बा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जब वो हाथ जोड़ चुकी, पैर पड़ चुकी, तब निकाला इन्होंने वहां से उसे। आप दिल छोटा ना करें। चलो तुम्हारी बेटी ने तो कोई कसर नहीं उठा के रखी थी, बहू की भी सुन लो। अब ये क्या समझती है मैं यहाँ आना छोड़ दूंगी, मेरे भाई का घर है ये, आऊंगी भी और बैठूंगी भी। मेरे बाप का घर है, किसी के बाप का नहीं है, जो मुझे तिन तिना दिखाया जा रहा है। मेरी बात लिख के रख लो, ये लड़की 3 महीने के अंदर अंदर शादी करेगी। है भैया ऐसा नहीं है, आसरा है। जब ही उसने सज्जू के लिए वो हालात पैदा किए कि मेरे बच्चे ने पागल होके तलाक दे दी उसको। अरे आपा, जमीन में नहीं गाड़ दूंगा उसे, जो किसी को लाके मेरे सामने खड़ा किया। कैसी बात कर रही है? रहने दो शायद। तुमने लाके सामने खड़ा कर दिया, वो वक्त गया। अरे तुम्हारे तो अच्छों को कानो कान खबर नहीं होगी, और वो दो बोल पढ़वा लेगी। अरे फूफो, मेरा तो ख्याल था कि आपका बेटा कभी शादी नहीं करेगा, है ना? क्यों नहीं करेगा? मेरे सज्जू को लड़कियों की कमी है क्या?
भाई आपके तो उसकी दुल्हन बहुत सोच समझ के बड़ी देखभाल के बाद लेकर आऊंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है, सोच समझ कर ही लाइएगा। और नसीब में हुआ तो ताहिरा के लिए भी ना इस बार हम बहुत सोच समझ कर फैसला करेंगे। होश में तो हो तुम? अंदाजा है तुम्हें किससे बात कर रही हो? बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ पापा, इनकी इस बात का यही जवाब था। आप समझते क्यों नहीं है कि आपके जहन में वो बातें डाल रही है जो है ही नहीं? ये तो चाहती नहीं है कि ताहिरा का घर कभी आबाद हो। आप बैठ के ये बातें सुन रहे हैं, मुझे तो ये हैरत हो रही है। लो भाई देख लिया, जो मैंने कहा वो सच साबित हो गया अभी के अभी। ऐसे ही नहीं, तुम्हारी बेटी उछल रही है, किसी ना किसी का आसरा था, ये है वो आसरा। हो गया साबित? जी जी पप्पो, मैं हूँ ताहिरा के पीछे और हमेशा उसके पीछे खड़ी रहूंगी। आप जितना उसको बेहैसियत समझती है ना, इतनी नहीं है वो। अरे उजैर, उजैर बाहर आओ, जल्दी जल्दी आओ। अरे रहने दो शाहिद, इतना तौर तरीका होता तो इतनी देर से आके बैठी हुई हूँ, आके कम से कम सलाम दुआ तो ले लेता। आया नहीं आया ना, अब क्या उजैर उजैर कर रहे हो? क्या हुआ बाबा? ये देख लो, तुम्हारी बीवी किस अंदाज में बात कर रही है मेरी बहन से, इसकी जरूरत कैसे हुई? अब्बा कोई बात बगैर चिल्लाए भी कर लिया करें। लो सुन लो बेटे की भी। पप्पो कल बुलाना था ना मुझे और अब्बा को, जब ताहिरा को तलाक दी जा रही थी। अगर उस वक्त हम ताहिरा का साथ देते तो आप 100 जूते लगा देते। अब आपके यहाँ बैठ कर ये सब बातें करना जो आप घंटा भर से कर रही हैं, बनता नहीं है। तलाक हो गई, जान छूट गई आपकी ताहिरा से, बात खत्म। मैं मेरी बहन तो यहाँ आएगी, ये इसका घर है, कोई नहीं रोक सकता इसे, मैं देखता हूँ। ना तो आए, आप जाने फुप्पो जाने। मेरे दफ्तर के लिए देर हो रही है। अनौरीन तुमसे मैंने कहा है ना कि इस जंजाल में मत पड़ो, जाओ जाके अपना काम देखो। सुन लिया? सुन ली बेटे की भी? अरे इस उम्र में अपने लिए कुछ बचा के रखते तो कम से कम आज बहू बेटे की बातें ना सुननी पड़ती। क्या बताऊं आप सारी जिंदगी जो कमाया इन्हीं पे लगाया, आप मेरी तो किस्मत ही खराब है। लगा दिया ना, लगा दिया, आप भुगतो। खुश हो तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद करके चले गए, अपनी तो बना नहीं। मैंने कहा भी था कि ऐसा मत करो ताहिरा। शहजाद तुम जाओ यहां से। नहीं जाऊंगा, यहीं खड़ा हूं। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, अपनी सुनूंगा। खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी में पहले बहुत परेशानियां, मेरी परेशानियां और मत बढ़ाओ। परेशानियों से ही निकालने के लिए आया हूँ यहाँ पर मैं, और आज मैं तुम्हारे अब्बा से बात करके ही रहूंगा, अभी इसी वक्त। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? देखो अभी के अभी यहाँ से जाओ, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अभी मुझे गलत नहीं समझना, समझाएं आप इसे, आप ही समझाएं। जिंदगी बाप की कमाई नहीं है जिसे दोनों हाथों से लुटाया जाए, समझाएं आप इसे। भाभी मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। खामोश, चलो मेरे साथ। कब से जानती है उसे? भाभी आप मुझे गलत नहीं समझना, आप यकीन करें मेरा उससे कोई रابطہ नहीं था, फिर पता नहीं उसे कैसे पता चला कि मैंने जो तुमसे पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो। कब से जानती है उसे?
भाभी वो मुझे पसंद करता था। पसंद करता था? नहीं, पसंद करता है। ताहिरा, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो इस तरह तुम्हारे दरवाजे पे आता, तुम्हारे अब्बा से मिलने को कहता? नहीं ना। चलो सारी कहानी सुनाओ मुझे। आ जाओ। भाभी, आप मुझसे कसम ले लें, मैं कभी उससे नहीं मिली हूं और ना ही मैंने उसे कोई उम्मीद दिलाई है। बस वो मुझे चाहता है। और तुम नहीं चाहती उसे? इन सब बातों का वक्त गुजर चुका है। वक्त अभी भी तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है ताहिरा, तुम्हें वास्ते दे रहा है, लेकिन तुम ना तब समझी थी और ना आप समझ रही हो। ये क्या बातें कर रही हैं भाभी आप? मैं वही बातें कर रही हूँ जो अंदर ही अंदर तुम्हें खाई जा रही हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे सच्चू और फूफो की बातें सच साबित हो जाए। यही तो चाहते थे वो लोग, तभी उन्होंने ये बातें की ताकि इन बातों का दबाव तुम्हें कभी जिंदगी में सर ना उठाने दे। यही किया उन्होंने क्योंकि वो जानते हैं कि तुम पे दबाव पड़ता है तो तुम सह नहीं पाती, तभी उन्होंने तुम पर दबाव डाला। छोड़े भाभी, भूल जाए इन सब बातों को। ये जो लड़का अभी दरवाजे पे खड़ा था ना, इसमें इतनी ताकत है कि ये तुम पे पड़ने वाले हर दबाव को उठा के फेंक सकता है। उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत और इज्जत भी है। और ताहिरा, वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, जिंदगी किसी के बाप की जागीर थोड़ी है कि कोई भी दोनों हाथों से पकड़ के उसको लुटा दे। और तुम्हारी पुप्पो, उनकी झूठी बातों को सच समझ के जिंदगी को खुद पर हराम मत करो। मोहब्बत तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, ऐसा बार बार नहीं होगा। अब्बा की नाक कट गई है पूरे खानदान में, अभी बता कर गए हैं मुझे। भाई का कर्ज नहीं उतरा जो मेरी शादी पे लिया था उन्होंने। बाप की नाक कट जाए, भाई बहन की वजह से कर्जदार हो जाए और फिर शादी भी टूट जाए। पर ऐसे में मोहब्बत अगर दरवाजे पे दस्तक दे भी ना तो दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। मोहब्बत खुद ही थक हार के वापस लौट जाएगी। बात पूछो। पूछो। आपको और ताहिरा का बचपन कैसा? क्या? बचपन कैसा था? नींद नहीं आ रही? तो सवाल किया है, किसी बात का तो जवाब दे सकते हैं ना आप मुझे। अरे भाई, बिल्कुल वैसा ही था जैसे सबका होता है। मतलब तब भी आप उससे ऐसे लापरवाह थे जैसे अब हैं, या उसकी फिक्र करते थे? लापरवाह? और मैं? तारा की शादी के लिए मैंने खुद को तकरीबन गिरवी रख दिया था। और जो कर्जा मैंने लिया था वो मैं आज तक चुका रहा हूं, अदा कर रहा हूं। दो दो काम करता हूं, एक नौकरी से मैं और तुम एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। लापरवाह तो अब्बा है, वो समझते हैं कि चीखने चिल्लाने से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। लापरवाह। ये कर्ज तो उतर जाएगा उसे, लेकिन अगर ताहिरा की जिंदगी बर्बाद हो गई तो क्या होगा? सोचा है? नहीं सोचा।
क्योंकि अभी वो जवान है, इसीलिए किसी को उसका ख्याल ही नहीं है। लेकिन जब वो इस घर में बूढ़ी हो जाएगी, तब मेरी और आपकी जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। तब उसका क्या होगा, ये सोचा है आपने? ये बहुत भारी कर्ज है, ना उतरने वाला कर्ज। अब दो या चार नौकरियां भी कर लेंगे ना तो ये कर्ज नहीं उतरेगा। जी क्या बताना चाह रही? मैं कुछ नहीं बताना चाह रही, तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि कहीं इन तलखियों की वजह से आप लोग अपना बचपन तो नहीं खो दिया। मेरा मतलब है कि वो बहन भाई जो एक ही घर में पले बढ़े, कब एक दूसरे से इतना दूर हो गए? उसे ताहिरा आपके सामने आने से घबराती है, और आप तो उसकी खैरियत पूछने से झिझकते हैं। एक और बात कहूं? इतना तुम सब कुछ पहले ही कह गई हो, तुम एक बात और सही, अब्बा पे सारे इल्जाम लगा के आप इस तरह बरी उज़मा नहीं हो सकते। कम से कम अब्बा आपसे तो बेहतर है ना, अपनी बहन के तो हैं, जानते हैं उनकी बहन गलत है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ खड़े। और आपकी बहन तो सही है, कोई गलती नहीं की उसने, लेकिन आप फिर भी उसके साथ नहीं। रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने। अंकल। वालेकुम सलाम। मैं पहचाना नहीं तुम्हें। अंकल आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझसे बात करना चाहते? किस सिलसिले में? अंकल अगर आपको ना गवाह ना गुजरे तो हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं, अब या मैं आपके घर आ जाता हूँ। अरे भाई मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, क्यों बैठ के बात कर रहे हैं? और तुम मेरे घर क्यों आओगे, क्यों? अंकल मैं ताहिरा के लिए। अगर दार जो एक लफ्ज मुझसे निकाला, ज़बान भेज दूंगा मैं तुम्हारी। अंकल आप बेशक मेरी ज़बान खींच सकते हैं, लेकिन अगर मुझे ताहिरा से शादी करनी है वो ये बात नहीं समझेगी। आप मुझसे बात तो करूँ? चुप हो जाओ, तू ही वो तेरा किया था सब कुछ। तूने उसका घर बर्बाद कर दिया, हमारी रिश्तेदारियां तोड़वा दी, तू ही है सब कुछ। कल आप बात समझने की कोशिश करें, अब हम बैठ के बात कर सकते हैं। क्यों तेरे बदन में थूकता भी नहीं हूँ, तो बैठ के बात करने की बात कर रहा है। बात समझने की कोशिश आप आशा की दिल तोड़ दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अंकल प्लीज, अंकल मैं कह रहा हूं तेरी बात क्या हो गया, क्या कर रहे हैं ये? छोड़ इसे, छोड़। तेरी बहन से शादी की बात कर रही है? चुप कर जाए, क्या तमाशा बनवा रहे हैं आप जाए घर जाए। ठीक कहती है मेरी बहन, ठीक कहती है, कोई है जो उसे आसरा दे रहा है? ये है वो, इसका किया दरा है, इसने बर्बाद किया उसे। खुदा के वास्ते आप चुप कर जाएं, जाएं यहाँ से, आप घर जाएं। घर तो मैं जाऊंगा, जरा उसकी भी खबर लूं ना। अब मैं कहा ना, आप जाएं घर जाएं, खुदा का वास्ता है घर जाएं, यहाँ से जाएं। तुम भी जाओ। भाई ताहिरा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा ना अभी तुम जाओ यहां से। ताहिरा, ताहिरा। जी अब्बा। अब पता लग गया मुझे कि क्यों सज्जू ने आधी रात को तलाक देके तुम्हें घर से बाहर निकाला। बेशर्म लड़की,
तलाक को भी एक महीना भी नहीं हुआ और तुमने उस लफंगे लड़के को भेज दिया मेरे पास रिश्ता लेके। बेवकूफ समझा है मुझे? अब्बा क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, आप जैसे समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अब्बा मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने आपके पास किसी को नहीं भेजा। बच्चा समझा है मुझे? बच्चा समझा है मुझे? नहीं अब्बा, बच्चे नहीं है आप, साहब कभी बड़े नहीं हो सके, बड़े नहीं बन सके। अच्छा तुम तो बन गए ना बड़े, बहुत बड़े। सरा भी गैरत होती ना तो उसके हाथ पांव तोड़ दिए होते जिसने रोड पे तुम्हारी बहन का नाम लिया तो वहां खड़े होके। मेरी बहन ठीक कहती थी। अरे आपकी बहन, आपकी बहन, आपकी बहन, एक दिन नहीं छोड़ा आपने अपनी बहन को कि उसे तकलीफ होगी। और मेरी बहन, मेरी बहन उस दिन से तकलीफ में है जिस दिन आपने इसका रिश्ता अपनी बहन के घर किया था। उस दिन से लेकर आज तक मैं इसको तकलीफ में देख रहा हूं। और अब आपकी बहन, आपकी बहन है और मेरी बहन, मेरी बहन है। आपको अपनी बहन का किया सही और गलत सब कबूल है ना? इसी तरह मुझे अपनी बहन का किया सही और गलत सब कबूल है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब मुझे पता लग गया, तुम्हारी बीवी तो पहले कह चुकी है कि इसके साथ खड़ी है, लेकिन अब पता लगा कि तुम भी इनके साथ खड़े हो। तेरी आंखों में धूल झोंकते रहे और तलाक लेके घर आके बैठ गई। सब मिल मिला के हुआ है ये। काश ऐसा होता अब्बा, काश ऐसा होता कि सब कुछ मिल मिला कर होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काश मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं थक गया था इस घर की चिक चिक से। मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, अपने सर से बोझ उतार कर फेंका मैंने, और होने दी इसकी शादी सच्चू के साथ। मुझे उससे खड़ा होना चाहिए था अब्बा। इसकी तलाक गलत नहीं हुई, इसकी शादी गलत हुई थी, और इसके मुजरिम आप भी हैं और मैं भी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब्बा, अब ऐसा नहीं होगा। ये बात गौर से सुन ले। तो तुम भी सुन लो, तुम सब सुन लो, कि अगर ऐसा हुआ ना, मैं वसीयत करके चाहूंगा कि मरने के बाद मेरी शक्ल ना देखने दे मेरी औलाद को। कान खोल के सुन लो, तुम लोग सुन लो। भाई आप मुझसे जो मर्जी कसम ले ले, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को अब्बा के पास नहीं भेजा। अब अब्बा से कह दें कि ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज मुझे गलत नहीं समझे। नौरीन इसे अंदर लेके जाओ। ताहिरा आ जाओ, अंदर चलते हैं, आ जाओ, आ जाओ। पापा, पापा बिल्कुल ठीक कह रही थी, बिल्कुल वैसे ही हुआ वो। ऐसा बोलो भाई, ऐसा बोलो। सच्चू का रिश्ता तय कर रही हूँ लड़की वाले आए में, अभी ये मौका मैं नहीं है बात करने का ना। तुम बाद में आओ ना तो फिर आराम से बैठ के बात करेंगे, बाद में आओ। अरे लेकिन पापा मेरी बात तो सुन। जाए कोई दर्द सुनाने। मैं लापरवाह नहीं था नौरीन, मैं कहीं खो गया था। अम्मा के जाने के बाद सब चला गया, मेरा बचपन भी माँ के साथ ही चला गया। तुमने पूछा था ना कि हमारा बचपन कैसा था,
मेरा और ताहिरा का। ताहिरा मुझसे 5 साल छोटी, लेकिन हम साथ ट्यूशन जाते थे। एक बार मैं उसे साइकिल पे लेके जा रहा था, दोनों बहुत खुश थे। साइकिल मुझसे संभल ना सकी और ताहिरा गिर गई, उसे चोट लगी। मैं वहां से भाग गया। अम्मा ने मुझे बहुत डांटा कि बहन को तकलीफ में छोड़कर भाग गया। मुझे लगा कि ताहिरा की टांग टूट गई है, इसलिए मैं वहां से भाग गया। फिर जब अब्बा उसकी शादी कर रहे थे तो मुझे पता था कि वो तकलीफ में है, मैं फिर वहां से भाग गया। फिर जब उसे तलाक हुई तो मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था, मैं फिर भाग गया। मैं लापरवाह नहीं हूं नौनी, बस मुझसे देखा नहीं जाता, कमजोर हूं। नौरीन, ए नौरीन। सलाम अलैकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई लड़की, तुम करो मुंह मीठा। ये किस खुशी में पप्पो? है खुशी भी बता दूंगी, मुंह तो मीठा करो। सलाम अलैकुम अप्पा। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुमने बताया नहीं शायद कि मैंने सज्जू की बात पक्की कर दी है। अप्पा आपने मुझे कब बताया था? अभी बता रही हैं आप? अरे नहीं भाई, उस दिन घर आए थे तो बताया नहीं था मैंने। घर कहाँ आया था पापा? आपने दरवाजे से लौटा दिया था, वो शायद मेहमान आए हुए थे आपके घर पे। हाँ वो उसी दिन तो बात पक्की की है मैंने। माशाल्लाह अगले महीने शादी है उसकी। बहुत बहुत मुबारक हो पप्पो, इंशाल्लाह बहुत जल्द ना हम भी आपका मुंह मीठा कराएंगे। तू मुझे क्या बता रही हो, हमें तो पहले से ही पता था। मैंने तो कह दिया था शाहिद से कि बस इद्दत गुजरने की ही देर है, नहीं ये लड़का लाके सामने खड़ा कर देगी। तुम्हारी चुप बता रही है कि जो मैंने कहा है वो सच हो गया। भाई इतना अरसा भुगता है, देखा है किस तरह उसने सज्जू को मजबूर किया कि वो उसे छोड़ दे। ऐसे पप्पो, अब्बा ना आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं आपकी। अपनी बेटी के खिलाफ तो कुछ भी सुन सकते हैं लेकिन अपनी बहन को जवाब तक नहीं देते हैं। और पता है अब्बा की यही आदत उजैर में भी आई है, ये बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं उजैर। अच्छा ही है वैसे इस वक्त उजैर घर पर नहीं है क्योंकि वो ताहिरा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, जैसे अब्बा आपके लिए नहीं सुन सकते कुछ। अच्छा मैं चलती हूँ, वो असल में क्या है ना और घरों में भी मिठाई देनी है। अच्छा शायद तुम आना घर पे, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है मिठाई खा लेना। ये दर्द का तूफान कहाँ जाके रुकेगा, आंखों से झरकता आंसू तो कहेगा। ये दर्द
मेरी शहजाद से बात हुई थी। अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है। भाई आप उसे मना करते। मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं है। अब्बा दो दिन से खामोश है, वो किस तरह से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं, आपने देखा नहीं उन्हें? उन्होंने बोला था कि मैं ताल्लुक खत्म कर दूंगा और उन्होंने ताल्लुक खत्म कर दिया है। मैं कोई ताल्लुक जोड़ने के लिए अपने बाप से ताल्लुक नहीं तोड़ सकती हूँ भाई। आप उसे मना करते हैं, मैं अब्बा को ऐसे नहीं देख सकती। मैं भी अब्बा को ऐसे नहीं देख सकता। बात करूंगा अब्बा से। अब्बा नहीं मानेंगे। मुझे तो लगता है कि अब्बा मान गए हैं, इतना तो जानता हूं अब्बा को। रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, रिश्तों के हैं धागे से बंधे। उज़ैर कितने फसाने। एक मिनट, मैं जाए क्या हो? ताहिरा बुला रही है। सब खैरियत है? क्या होता है भाई? आपने मुझे कहा था ना कि अब्बा ने इजाजत दे दी है, तो कहाँ है अब्बा? वो तो यहाँ है ही नहीं। आ जाएंगे वो। तो जब अब्बा आएंगे तभी ये निकाह होगा। अब्बा के बगैर मैं निकाह नहीं करूंगी। अब्बा भी नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में मान जाएंगे। ऐसी बातें नहीं करते। देखो नहीं भाभी, अब्बा ने बहुत बड़ी बात की थी। मैं जब सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं भाई, मैं अब्बा के बगैर ये निकाह नहीं करूंगी। आपने कहा था ना उन्होंने इजाजत दी है, वो राजी है। अच्छा तुम परेशान मत हो, लेकर आता हूँ। ताहिरा का निकाह है अब्बा, और आप यहां बैठे हैं। वो वहां कहती है कि अगर अब्बा नहीं हुए तो वो निकाह नहीं करेगी। मैंने उससे कहा था कि अब्बा राजी हैं, तभी वो इस निकाह के लिए रजामंद हुई थी। चले ना अब्बा। किस मुंह से जाऊंगा तू बता, मैंने क्या क्या नहीं किया ताहिरा के साथ? अपनी उस बहन से रिश्ता बचाने के लिए मैंने उसकी कभी सुनी नहीं। उस बहन ने क्या किया? उसने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया जब उसके बेटे की सगाई हो रही थी। मुझे बाहर से बाहर ही भेज दिया। उस लड़के का सामना कैसे करूंगा मैं? भरे बाजार में मैंने गिरेबान पकड़ा था उसका। वो
मेरी दुआएं उसके साथ है, तू रुखसत कर दे, मेरी रजामंदी है, मुझ में हिम्मत नहीं है। ताहिरा की हिम्मत आप हैं अब्बा, अगर आप होंगे तो वो निकाह करेगी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपकी इजाजत के बगैर रुखसत होकर चली जाए। अगर आप यहां बैठे रहे तो वो सारी जिंदगी घर बैठी रह जाएगी अब्बा। चले अब्बा आज। रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, जाए तो कहाँ जा तुम्हें खुश रखे होते नहीं, होते नहीं, होते नहीं।